हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बेसिक से जानेंगे। एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक क्लास हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको पता होगा, कहीं भी किसी भी ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सेल का यूज होता ही है। तो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग बेसिक से जानेंगे, और जब बेसिक से जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो शायद ऑफिशियल वर्क में आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। सबसे आसान प्रोसेस है, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और जो सामने ओपन होगा उसमें आपको करना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, जितने भी एप्लीकेशन है ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पहले भी बताया गया होगा कि ये आपका जो है विंडोज के लिए 1990 यानी 1990 में फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो हम लोग वर्जन सीखेंगे ये आपका जो है 2013 होगा यानी 2013। इसमें क्या करना है कि आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कीजिए। इसमें ढेर सारा एप्लीकेशन आता है और आपको करना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पे क्लिक करना है। ये एक प्रोसेस हुआ। और दूसरा प्रोसेस है, विंडोज के साथ आर प्रेस कीजिए, आपका रन बॉक्स ओपन होगा और उसमें आपको टाइप करना होगा विन वर्ड और इसके बाद ओके। ये एक्चुअली में फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया गया है। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी पार्ट वन के बाद पार्ट टू का क्लास होगा। तो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा तो आपके सामने ये 2013 वर्जन में, ये आगे का जो वर्जन में इस तरह से शो करता है। इसमें आपको करना क्या है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करना, हालांकि आप इन सब का भी यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी इसका जो है टेम्पलेट यानी फॉर्मेट बना हुआ है। हम यहां से क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सामने एमएस वर्ड आपका ओपन होगा, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सामने पेज है, टेक्स्ट एरिया है। इसी एरिया पर आप क्या करते हैं कि कोई लेटर टाइप करते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं या बुक तैयार करते हैं, जो भी कुछ लिखना होता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के दौरान आपको पता होगा कि बैक स्पेस से आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, इंटर से लाइन चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे इंटर से ओके भी होता है, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो उस दौरान वो क्या करता है, लाइन चेंज करता है। स्पेस से क्या होगा, आप जो है टेक्स्ट के बीच में स्पेस देंगे। बाकी कैप्स लॉक बटन एक होता है, कैप्स लॉक अगर आप ऑन करते हैं तो सारा लेटर कैपिटल में टाइप होगा, ऑफ करेंगे तो सारा लेटर आपके स्मॉल में। हालांकि आप शिफ्ट का यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ किसी लेटर को प्रेस करेंगे तो कैपिटल टू स्मॉल और स्मॉल टू कैपिटल कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट क्लास में आप देखे होंगे यहाँ से ये सब सारा जो कट कॉपी पेस्ट, लैंग्वेज चेंज करना, साइज चेंज करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब सारा क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसके बाद ये फॉन्ट कलर वगैरह भी बता दिया गया था। अब यहाँ से समझिए, ये पैराग्राफ वाला जो लाइन है, पैराग्राफ वाला में क्या है कि ये बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स नंबरिंग का मतलब होता है टेक्स्ट के पहले सिंबल देना और ये नंबर देना। मतलब कैसे, जब आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, पॉइंट लिख रहे हो, तो जैसे मान लेते हैं हम कुछ लिखते हैं, तो लिखने के लिए क्या है, थोड़ा सा अगर साइज हम बड़ा करना चाहें तो क्या करेंगे, जो 11 है यहीं से आप क्या कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं। तो उसमें पहले भी बता चुके हैं कि जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, इसका मैक्सिमम साइज 72 होता है और मिनिमम साइज आपका कितना होता है, 8 होता है। इससे ज्यादा बड़ा करना होगा तो इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये दो सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मान लेते हैं हमको क्या करना है, 26 के साइज पे लिखना है, ये सेलेक्ट की और अब जो टाइप होगा वो 26 के साइज में। तो सिंबल क्या करता है, सिंबल लाने के लिए क्या करना होता है, बुलेट्स का यूज करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये सब सारा जो है आपका सिंबल आएगा, नन तो मतलब कोई नहीं, इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमको ऐसा चाहिए, तो जैसे इस पे सेलेक्ट किए ये आ गया। अब यहाँ से मान लेते हैं कि कुछ हम लिखते हैं, जैसे कोर्स का ही नाम लिखते हैं, तो जैसे DCA लिख दिए, ऐसा हो गया। कैपिटल करना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर सकते हैं, अगर सारा कैपिटल चाहिए तो DCA लिखे, और जैसे क्या होगा इंटर आप प्रेस करेंगे तो वो सिंबल आपका फिर आ जाएगा, फिर आपका जो है DFA लिख दिए, फिर इंटर प्रेस करेंगे DCH हो गया, फिर इंटर प्रेस किए DTP हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप बुलेट्स का यूज करेंगे तो सिंबल अपने आप आता जाएगा, यानी लिखने के बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये सिंबल आ जाएगा।
नंबरिंग क्या करता है कि नंबरिंग क्या करता है, आपका टेक्स्ट के पहले नंबर ला दे, ये सब सिंबल ला रहा था और ये नंबर लाएगा। इनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, एबीसीडी का यूज कर लेते हैं। और इसमें भी वही बात है कि जैसे हम लिखे, लिखने के बाद जैसे इंटरप्रेस करेंगे आपका नंबरिंग आ जाएगा, डी एफ ए है ना, फिर इसके बाद डी सी एच, इसके बाद डी टी पी। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो ए बी सी डी है और ऊपर वाला जो सिंबल है दोनों में अंतर है। हालांकि ये वाला जो सिंबल यूज हो रहा है ये बुलेट्स है और ये आपका नंबरिंग है, लेकिन सिंबल में क्या होता है, एक ही सिंबल आपका रिपीट होता जाता है। और नंबरिंग में क्या होता है, आपका जो नंबर आप चूज करेंगे वो नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी आप नंबरिंग में बहुत सारे हैं कि नहीं का भी यूज कर सकते। तो जरूरत के अनुसार आप जब कुछ लिख रहे होते हैं उस दौरान बुलेट्स और नंबरिंग का यूज करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो है आप यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में। यानी यहाँ से देखिए ये वाला जो सिंबल है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे जा रहा है या 1 2 3 4 जा रहा है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और घटते क्रम का मतलब क्या हुआ कि जेड वाई X, W, V, U ऐसे आ रहा है, ये descending order होता है, या 9 8 7 6 5 4 ये descending order होता है। तो टेस्ट को अरेंज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद ये वाला alignment है, जरूरत के अनुसार ज्यादातर तो डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, आप चाहे तो सेंटर बीच में लिखना होगा तो सेंटर का यूज करेंगे। जैसे देखिए पहले हम लेफ्ट यहाँ पर लिखते, अगर मान लेते श्याम लिखे हम, श्याम यहाँ पर टाइप हुआ, लेकिन जैसे अब क्या हुआ कि ये तो लेफ्ट ही हो रहा है, बीच में लिखना है तो इस पे सेंटर पे क्लिक कीजिए, आपका कर्सर जो है ये जो मूव हो रहा है, जो कर्सर है ये आपका सेंटर में आ गया और आप यहाँ पे सेंटर में लिख सकते हैं। अगर आपको क्या करना है राइट में लिखना है तो आप यहाँ से राइट का यूज कर सकते हैं, है ना। और ये वाला जो है आपका क्या है, जस्टिफाई है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक के लिए यूज होता है, सेम मतलब पूरा का पूरा, मतलब उसका कोई अलाइनमेंट नहीं, लेफ्ट सेंटर राइट, यानी जब भी होगा तो लेफ्ट से लेके आपका राइट तक अपना टेक्स्ट टाइप होगा। तो इस तरह से जो है अलाइनमेंट जरूरत के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये है आपका लाइन स्पेसिंग, ये वाला जो सिंबल दिख रहा है लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि दो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको कम और ज्यादा करने के लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। जैसे इसको भी देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, और दूसरा हम लिखते हैं यहाँ से सीता सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है, गर्ल, ठीक है। ये दो लाइन टाइप हुआ, तो ये आपका फर्स्ट लाइन हुआ और ये आपका जो है दूसरा लाइन, उसके नीचे जो है सेकंड लाइन है। तो ये दो लाइन के बीच का जो स्पेस है, कहने का तो ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को कम और ज्यादा करने के लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। जैसे देखिए अभी आप सेलेक्ट करते हैं और जैसे यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाएंगे 1.0 करते हैं, ये ऐसा है, शायद समझ नहीं आओगा, इस कारण से हो सकता है कि 1.0 ही हो, 1.15 1.5 2.0 2.5 3.0, अब समझ रहे होंगे आप कि लाइन क्या हो रहा है ना, कि दोनों के बीच का जो गैप है वो आपका बढ़ता जा रहा है। तो यही लाइन स्पेसिंग कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग मेनू का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है, ये आपका जो है बॉर्डर है, जब हम टेबल यूज करेंगे उस दौरान हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, है ना। चारों साइड बॉर्डर करना होगा, नो बॉर्डर मतलब कोई बॉर्डर नहीं, राइट साइड बॉर्डर करना हो, लेफ्ट बॉर्डर करना हो, टॉप बॉर्डर करना है, बॉटम करना है, बॉटम मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब टॉप मतलब ऊपर, लेफ्ट मतलब बाएं साइड, राइट मतलब दाएं साइड, है ना। नो बॉर्डर मतलब कोई बॉर्डर नहीं, आउटसाइड मतलब चारों साइड बॉर्डर होगा, इनसाइड मतलब सिर्फ अंदर में बॉर्डर होगा, है ना। तो ये आपका टेबल से रिलेटेड है, जब टेबल बताएंगे उस दौरान इसका डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और ये वाला स्टाइल है, जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उस दौरान टेक्स्ट को स्टाइल में करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ये चाहिए तो अब हम जो भी लिखेंगे उसी स्टाइल में क्या होगा, आपका टाइप होगा, है ना। और जैसे इंटरप्रेस करेंगे क्या होता जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिर आपको कुछ लिखना है, फिर आप इनमें से किसी ऑप्शन को चूज करें और आप यहाँ से टाइप कीजिए, फिर कुछ टाइप होगा और जैसे इंटरप्रेस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो दोनों है ना, ये टेक्स्ट एज ए हेडिंग के तौर पे, और ऐसा ही समझिए कि ये दोनों को हेडिंग बनाया गया, इन दोनों टेक्स्ट को हेडिंग में रखना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं।
नेक्स्ट मेन्यू है आपका एडिटिंग, जिसमें सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला है फाइंड। फाइंड का काम होता है खोजना। तो जैसे अगर हम पेज पर कुछ लिखे हुए, मान लेते हैं कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं राजमहल इज अ बिग सिटी, ठीक है, ये सेंटेंस लिखे। और लिखने के बाद क्या है कि हम इस टेक्स्ट को ना बहुत सारा कर दे रहे हैं। बहुत सारा करने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कीजिए और जितना टाइम आपको चाहिए उतना बार आप क्या कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, है ना। ऐसा करके बहुत बार हो गया। अब इसमें से क्या है ना कि अगर मान लेते हैं कि कोई खोजना है, किसी टेक्स्ट को खोजना है, तो ऐसे तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ही चीज आपका बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ अगर हम मान लेते हैं लिख देते हैं और उसमें से कुछ खोजना है तो हम फाइंड का यूज करें। या इसी में से अगर हमको देखना है कि सिटी कहाँ लिखा हुआ है, तो जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बॉक्स आएगा, देखिए इधर नेविगेशन का, और उसमें करना क्या है कि जिस वर्ड को खोजना है उस वर्ड को टाइप कीजिए। तो क्या यहाँ पर देखिए दिखा दे रहा है कि इस सेंटेंस में, यानी जो आपके पेज पर सेंटेंस लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा है, उसमें सिटी आपका कहाँ कहाँ है। तो ये सब तो एक लाइन से आपका शो करा और एक लाइन से सेलेक्ट कर दिया। अगर आपका टेक्स्ट पर जो है अलग अलग जगह पर होता तो अलग अलग हाईलाइट करता, ठीक है, और उसको जो है आपके सामने शो कर देता कि इस जगह पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सीधे बात हम समझिए, पेज पर कहीं भी कोई टेक्स्ट अगर खोजना होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड मेनू का यूज करते हैं, जिसको अगर शॉर्टकट की के जरिए अगर इस बॉक्स को लाना चाहे तो कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करके भी ला सकते हैं। और टोटल यहाँ पर ये भी शो करता है कि 21 रिजल्ट, यानी आपका जो सिटी है वो कितने जगह पे लिखा हुआ है, तो टोटल 21 जगह पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। जैसे मान लेते हैं कि हम जहां जहां सिटी लिखे हुए उन सारे जगह पे जो है हमको टाउन करना है, तो क्या करेंगे, एक जगह दो जगह करना हो तो हम ऐसे मिटा के उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमको बहुत सारे जगह पे बदलना है और वो भी अलग अलग जगह पे, तब हम क्या करेंगे, रिप्लेस का यूज करेंगे। करना क्या है, फाइंड वर्ड में जिस बॉक्स, जिस टेक्स्ट को चेंज करना है वो टेक्स्ट आप टाइप कीजिए, जैसे यहाँ सिटी को चेंज करना तो सिटी किया हुआ है, और रिप्लेस में क्या करेंगे, वहां पर टाउन कर दीजिए, क्योंकि आपको सिटी के बजाय क्या चाहिए, टाउन चाहिए। और जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे सारे जगह पे चेंज कर दे, टोटल कितने जगह पे, 21 रिप्लेसमेंट्स, है ना। अब आप यहां से देखिए जहां जहां सिटी होगा सारे जगह पे क्या हो गया, टाउन हो गया, है ना। अगर आप यहां से अब मान लीजिए कि जहां जहां बिग लिखा हुआ उस जगह पे आपको स्मॉल करना है, तो क्या करना होगा, फिर से आप रिप्लेस में जाएंगे, बॉक्स खुलेगा और फाइंड वर्ड में क्या करना है, बिग टाइप करना है, और रिप्लेस विथ में क्या करना है, आपको स्मॉल टाइप करना है। क्यों, क्योंकि आपको बिग के बजाय स्मॉल चाहिए। और जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे सारे जगह पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। देखिए अब सारे जगह पे क्या हो गया, बिग के जगह स्मॉल हो गया। तो ये था आपका जो है फाइंड रिप्लेस, ठीक है। ये उम्मीद है दोस्तों, ये आपका जो है जितना भी सारा था ये सारा टेक्स्ट से रिलेटेड था। नेक्स्ट आपका जो है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू के बारे में पहले आप जाने कि इंसर्ट मेनू का वर्क क्या है। इंसर्ट मेनू का वर्क होता है लाना, यानी इंसर्ट का मतलब क्या होता है, लाना। अगर इस पेज पर आपको कुछ भी लाना होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इंसर्ट मेनू का, जिसमें सबसे पहला है आपका यहाँ से टेबल। टेबल मतलब होता है सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी रो और कॉलम के एक सेट को क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। अगर टेबल लाना होगा तो उसके लिए आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे दो तीन प्रोसेस, तीन प्रोसेस से आप टेबल ला सकते हैं। एक तो जो सबसे पहला वाला दिख रहा है आप इस प्रोसेस का यूज करके भी टेबल ला सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आप देख पा रहे होंगे कि 10x8 टेबल, यानी 10 आपका जो है कॉलम है और 8 आपका रो है, तो टोटल इतना ही टेबल आप बना सकते हैं। लेकिन हो सकता है इससे बड़ा टेबल आपको बनाना हो तो आप ये जो सामने दिख रहा है इस प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते हैं, तो बाकी और दो प्रोसेस है उनका भी यूज कर सकते हैं आप। तो जिसमें अगर आपको कम छोटा टेबल है तो इस ये प्रोसेस आपका बेटर है, कम समय में आप टेबल बना लेंगे। लेकिन अगर आपको और भी बड़ा टेबल बनाना है तो आप इंसर्ट टेबल पे जाइए, और इंसर्ट टेबल पे जब जाएंगे तो ये इंसर्ट टेबल का बॉक्स आएगा, और इसमें करना क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो की संख्या देना होगा। तो जैसे नंबर ऑफ कॉलम मान लेते हैं हमको 10 कॉलम चाहिए, 10 दे दिए। टोटल रो कितना चाहिए, तो मान लेते हैं यहाँ से 200 रो चाहिए, तो 200 रो कर लीजिए।
और जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, 10 कॉलम और 200 रो का क्या होगा आपके, एक टेबल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि एक बार में जो है आपका इतना बड़ा टेबल बन गया। अब बात रहा 200 रो का, तो अगर एक पेज पर आपका रो अरेंज नहीं कर पा रहा है तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, सेकेंड पेज पर, थर्ड पेज पर, ऐसे करके टोटल रो जो है आपका अरेंज कर देगा। और ये जो मेनू आया ना डिजाइन का, इसके बाद लेआउट का, ये टेबल से रिलेटेड वर्क करने के लिए, जो टेबल आया उसमें अगर आपको एडिटिंग करना होगा तो उसके लिए हम इस मेनू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है, इससे बनाने के अलावा आप टेबल ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए आप जो है एक तो ऐसे बना सकते हैं इंसर्ट टेबल लाकर, और दूसरा ड्रॉ टेबल। ड्रो टेबल भी बेटर है, अगर आप छोटा मोटा टेबल बनाना है तो आप ड्रो टेबल का भी यूज कर सकते हैं। इसके अनुसार आप जो है ना अपने अनुसार बना सकते हैं, इससे जरूरत के अनुसार जैसा बनाना वो बना सकते हैं। जैसे ये एक सेल बन गया, अब इसमें हमको बीच में एक लाइन देना है तो हम यहाँ से लाइन दे दिए, ऐसा करके एक लाइन देना है तो हम वो दे दिए, है ना, इस जगह से एक लाइन देना है तो इस तरह से हम एक बना दिए। यानी जरूरत के अनुसार जो है आप जैसा टेबल बनाना चाहें इसमें आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें आप देख पा रहे हो जो टेबल बन रहा था वो अपने आप रो और कॉलम का जो साइज है वो डिवाइड कर दे रहा था। हालांकि आप इसका भी यूज कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा करके जो है। तो ये भी जरूरत के अनुसार जो है ऑफिशियल काम करेंगे, और भी अगर आप किसी काम को करेंगे एमएस वर्ड पर और टेबल बनाना हो तो ये सब प्रोसेस भी आपका बेटर प्रोसेस है, आप इन सबका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आप बार बार देख पा रहे होंगे कि हम सबको डिलीट कैसे कर दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ना कि सबको डिलीट करने के, एक तो ये वाला देख पा रहे होंगे, सबको क्या करते हैं कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। यानी पूरे टेबल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और क्या कर देना है, डिलीट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए और इसके बाद नेक्स्ट पर डिलीट। ठीक है, तो ये आपका जो है इंसर्ट मेनू में टेबल लाने का था, यानी ऐसे कर बना सकते हैं, ड्रो टेबल भी कर सकते हैं और इंसर्ट टेबल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पिक्चर लाना, पिक्चर मतलब होता है फोटो लाना। अगर आपको कोई भी फोटो लाना होगा एमएस वर्ड पर तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पिक्चर मेनू पे जाइए और जैसे पिक्चर मेनू पे क्लिक करेंगे आप तो ये आपके सिस्टम पे पहुंचा देगा। यानी सिस्टम पे मतलब जो आपका कंप्यूटर है, जो सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव है वहां पर पहुंचा देगा। आपका फोटो जहां पर भी रखा उस फोटो को सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मेरा फोटो डेस्कटॉप पर जो है एक फोल्डर है, ये ग्लोबल स्क्रीन, इसके अंदर जो है हम सारा फोटो रखे हैं, तो हम वहां पर गए और यहां से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, इन जो फोटो चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद इंसर्ट कीजिए, आ गया ये फोटो। अब इस फोटो में किसी तरह का एडिटिंग चाहिए तो इस फॉर्मेट मेनू का यूज करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा यही पिक्चर स्टाइल है, है ना, और भी जरूरत क्या है बहुत तरह का आप कर सकते हैं, एक एक करके ढेर सारा इफेक्ट इसमें मिलेगा। ठीक है, जरूरत के अनुसार आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, पिक्चर के बाद आपका शेप, शेप मतलब होता है आकार। जैसे किसी तरह का आपका जो है लाइन खींचना होगा, सर्कल बनाना होगा, रेक्टेंगल बनाना होगा, या इतना तरह का किसी भी तरह का आकार आपको बनाना होगा तो आप क्या कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए और पेज पर क्या करना है, माउस का बटन दबाते हुए आपको ड्रैग कर देना है, खींच देना है, ऐसा करके बन जाएगा। और इसमें अगर बदलाव करना है, किसी तरह का एडिटिंग करना है तो इस फॉर्मेट मेनू का यूज करें। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट में एडिटिंग करना है तो कहाँ जाना है आपको, फॉर्मेट मेनू पे जाना है।